साथियों, इस देश का सरकार एक बहुत ही खतरनाक कानून लाने वाला है। इस कानून के मुताबिक आपके बैंक के खाते में रखा हुआ आपका खुद का पैसा शायद और आपका ना रह जाए। शॉर्ट में इसको FRDA बिल भी कहा जा रहा है। ये बिल इस वक्त पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के पास है और संसद के इस शीतकालीन सत्र में पारित होने के लिए इसको पेश किया जाएगा। तो साथियों, हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये बिल इतना खतरनाक है? आपने प्रधानमंत्री जी का जुमला तो सुना ही होगा, FRDI, उसको लेकर बहुत बड़ी मात्रा में अफवाहें फैलाई जा रही है। सरकार ग्राहकों के हित को सुरक्षित करने के लिए, बैंकों में जमा उनकी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रही है। बेल इन का एक प्रावधान इस बिल में है। बेल इन का मतलब क्या है? बेल इन का मतलब है कि अगर कभी कोई बैंक संकट की स्थिति में है, बैंक का खजाना खत्म हो गया है, तो उस संकट की स्थिति में आपका पैसा, आपने अपने अकाउंट में जो पैसा रखा है, वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा बैंक को संकट से निकालने के लिए। अब सवाल खड़ा होता है कि हमारे बैंक संकट में क्यों है? हमारे बैंक आज से नहीं, काफी दिनों से संकट में है। बैंक्स ने बड़े पूंजीपतियों को, बड़े कॉरपोरेट घरानों को, जो अरबपति खरबपति है, उनको लाखों करोड़ों रुपए का उधार दिया, कर्ज दिया, और ये बड़े कॉरपोरेट घराने ये कर्ज वापस नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते बैंक्स का खजाना खत्म हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, इंडिया रेटिंग्स के आंकड़ों के मुताबिक 2016 मार्च तक ये वापस ना आने वाला कर्ज, जिसको बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और NPA के नाम पे भी जाना जाता है, ये बैड लोन 13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। तो क्या ये जो बड़े कॉरपोरेट घराने हमारे बैंक्स का पैसा कर्ज लेके वापस नहीं दे रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? क्या कोई ऐसा स्टेप्स लिया जा रहा है ताकि ये पैसा वापस आए? तो इस सवाल का जवाब है कि नहीं, बल्कि उल्टा, ये बैड लोन माफ किया जा रहा है, मतलब कि राइट ऑफ किया जा रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 1.88 लाख करोड़ रुपए बैड लोन माफ हो चुकी है बड़े कॉरपोरेट घरानों का, और 7.44 लाख करोड़ रुपए अभी भी राइट ऑफ होने के स्थिति में है। और सुनिए, हमारा जो सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने साफ साफ कह दिया है कि उन कॉरपोरेट घरानों का नाम नहीं पब्लिक किया जाएगा जिन्होंने ये कर्ज लिया और वापस नहीं दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अदानी को कितना पैसा कर्ज दिया है, ये तब कहा गया कि इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते। तो कहाँ इस बैंक डिफॉल्टर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको ब्लैक लिस्ट करी जानी चाहिए, उसके जगह हम देख रहे हैं कि इनके लोन माफ किए जा रहे हैं, और अभी अदानी को फिर से लोन दे दिया गया है ताकि वो फिर से ना चुकाए। तो बैंक्स खतरे में हैं, उनका खजाना खाली हो रहा है, कॉरपोरेट घरानों को फिर से उधार दिया जा रहा है, कर्ज दिया जा रहा है, ताकि वो सरकार में बैठी पार्टियों को फंड कर पाए। अब साथियों, ये सवाल उठता है कि ये तय कौन किया? तो कहा जा रहा है कि G20 देशों का जो प्लेटफॉर्म है उसने ये तय किया, और भारत क्योंकि G20 देशों के प्लेटफॉर्म में है तो भारत को बेल इन का ये प्रावधान ये लागू करना होगा। कहाँ से आया ये? 2008 में अमेरिका में एक बहुत गहन आर्थिक संकट आया था, जिसके आर्थिक नीतियों को ही विकास का नीति माना जाता है, और जिसके आर्थिक नीतियों को हम पे थोपा जाता है। उस अमेरिका में एक बहुत गहन बैंक में संकट आया था, और बैंकों को उस संकट से निकालने के लिए सरकार ने पैसा खर्च किया था। तो अभी कहा जा रहा है कि बैंक ये संकट में आए ही ना कभी, इसके लिए जो आम जमाकर्ता, जो आम लोग अपने मेहनत की कमाई बैंक्स में अपने खाते में रखते हैं, वही पैसा इस्तेमाल कर लिया जाए। ये कहा जा रहा है कि G20 का प्रावधान है, तो भारत के जनता से बिना पूछे उन्हीं के बैंक में रखा हुआ पैसा उनके मर्जी के बिना कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। ये जो रेजोल्यूशन बोर्ड है, ये बोर्ड आपसे बिना पूछे कभी भी आपका पैसा इस्तेमाल कर सकता है। मतलब समझिए कि अगर आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए रखा है, तो वो 1 लाख रुपए आप अगर ये बोर्ड तय करे कि बैंक संकट में है, तब
ये 1,00,000 रुपए आपको वापस नहीं मिलेगा, उसमें से हो सकता है आपको 10,000 रुपए वापस मिले, और बाकी पैसा हो सकता है फिक्स डिपॉजिट में बदल दिया जाए ताकि आप जब चाहे उसको निकाल ना पाए, या तो उसको इक्विटी में बदल दिया जाए, और इक्विटी का मतलब है कि आपके पैसे का कोई भी गारंटी नहीं है। G20 के नाम पे किया जा रहा है, लेकिन तीसरी दुनिया का और कोई भी देश बेल इन का ये प्रावधान अपने देश में लागू नहीं किया है, तब मोदी सरकार पे ये अलग से क्या मजबूरी है? तो मजबूरियाँ तो हैं, ये हमने पहले भी देखा है कि कॉरपोरेट पूंजी के प्रति इनका जो लॉयल्टी है उसको लागू रखने के लिए, उसको बरकरार रखने का शायद इनका मजबूरी है। साथियों, अब तक क्या होता था, ये कानून अलग क्यों है, क्यों इसमें अलग से खतरा है? अब तक अगर कोई भी बैंक संकट में आता था तो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उस स्थिति में हस्तक्षेप करती थी, और ऐसा कोई और बैंक जिसका आर्थिक स्वास्थ्य बेहतर है उसका मदद लिया जाता था। और सरकार की ओर से 1962 का एक कानून है, उसके तहत सरकार की ओर से अलग से आपके 1,00,000 रुपए तक का गारंटी लिया जाता है, और इस नए कानून के तहत सरकार कोई गारंटी तो लेगी ही नहीं, बल्कि ऐसा कोई भी स्टेप लेने का संभावना नहीं रहेगा जिससे ये संकट पहले जैसे इस समस्या का हल होता था वैसा हो, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई भी पावर नहीं रहेगा, पावर इस नए बोर्ड के पास जाएगा, और ये बोर्ड जब चाहे तय कर ले कि आपके बैंक का पैसा फ्रीज हो जाए, वो फिक्स डिपॉजिट में बदल जाए, वो इक्विटी में बदल जाए, या आपका एक भी पैसा आपको कभी भी वापस मिलेगा कि नहीं, इसका भी कोई ठोस बात इस कानून में नहीं किया गया है, और शायद इसीलिए ये कानून इतना खतरनाक है। साथियों, अब ये सवाल आता है कि क्या ये अचानक हुआ है, क्या हम ये अचानक से कह रहे हैं कि कॉरपोरेट पूंजी को सर्व करने के लिए कानून लाया जा रहा है? तो हम देखेंगे कि अचानक नहीं हो रहा है, काफ़ी दिनों से हमारे बैंक्स घाटे में जा रहे हैं, बैड लोन का क्या अमाउंट है हमने आपको पहले बताया, और हमारे बैंक्स खाली हो रहे हैं कर्ज दे के, बड़े पूंजीपति घरानों से वापस नहीं मिल रहा, इसीलिए शायद 1 साल पहले नोटबंदी करवाया गया, देश के जनता को लाइन में खड़ा रखा गया, उन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा किया और लाखों नौकरियां गई, लेकिन अब तक ये नहीं कहा गया कि कितने काले धन वापस आए हैं। उसी के साथ साथ आप देखिए नोटबंदी के बाद क्या किया गया, नोटबंदी के बाद आपको कहा गया कि आपके अकाउंट में आपने जो पैसा रखा है वो आप कितने बार निकालोगे, इसके ऊपर भी सरकार का नियम है, बड़े शहरों में आप 3 बार से ज़्यादा अगर पैसा निकालेंगे, और बाकी जगहों अगर महीने में अगर आप 5 बार से ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो आपके ऊपर फाइन होगा, उसके ऊपर अगर आप अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं रखे तब भी आपके ऊपर फाइन लगेगा। साथ ही इससे भी जब नहीं हुआ तब सरकार ने पिछले दिनों 2.11 लाख करोड़ रुपए के आसपास रिकैपिटलाइजेशन के नाम पे बैंक में पैसा डाला, और देखिए संकट का स्थिति कहाँ पे है। इतना पैसा डालने के बाद भी जब बैंक संकट से नहीं निकल रही है तो सोचिए कितना पैसा कर्ज लिया गया और वापस नहीं दिया गया, और अब जाके कहा जा रहा है कि आम लोगों के बैंक अकाउंट पे सेंध लगाई जाएगी, उनका पैसा लूटा जाएगा, आपके ज़िंदगी भर के मेहनत की कमाई जो आपने बैंक में रखा और बैंक में रख के आपने सोचा कि मेरा पैसा सुरक्षित है, वो सुरक्षा अब नहीं है, आपके बैंक में रखा हुआ पैसा कभी भी ले लिया जा सकता है। तो साथियों, इसी को विकास के नाम पे आपको और हमको परोसा जा रहा है, विकास का ये मॉडल जहाँ पे हम लोग जो तमाम तरीके के टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, वो पैसा हमारे रोजगार के लिए खर्च ना हो, हमारे शिक्षा के लिए खर्च ना हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए खर्च ना हो, किसानों को उनके फसल के दाम दिया जाए इसके लिए खर्च ना हो, वो पैसा अगर पहले कॉरपोरेट्स के टैक्स छूट के लिए इस्तेमाल होता था तो अब कहा जा रहा है कि सीधे आपके बैंक अकाउंट पे सेंध लगाया जाएगा। मज़ेदार बात क्या है, देखिए चुनाव से पहले आपसे पूछा जाता है कि मंदिर चाहिए या मस्जिद, और आप सोचते रहिए कि मंदिर चाहिए या मस्जिद, आप सोचते रहे तब तक आपके बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट खाली हो चुका होगा, आपका जमा पूंजी खाली हो चुका होगा। साथियों, इस शीतकालीन सत्र में ये कानून लाया जा रहा है, प्रधानमंत्री के कोई भाषण में आप ये नहीं सुनेंगे, हो सकता है इसके ऊपर प्राइम टाइम शो ना हो, हो सकता है कि बड़ी मीडिया इसके बारे में बात ना करे, क्योंकि आम लोगों के पेट पे
सेंध लगाया जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग इसके बारे में बात करें, विरोध प्रदर्शन में उतरे और ये गारंटी करें कि शीतकालीन सत्र में कतई ये बिल पेश ना किया जाए, ये बिल लागू ना हो। फिनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल किसी भी तरीके से इस देश में लागू नहीं होना चाहिए, बेल इन का प्रावधान लागू नहीं होना चाहिए।